आज मैं लेने जा रहा हूँ परी और लाडो के अब्बा को लेने के लिए। तो रिकॉर्ड है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ कर रहे हैं क्या? आज का स्पेशल डिनर है चिकन। अभी हम लोग जा रहे हैं एक रूम बुक करने के लिए। तिनसुकिया जाएंगे, तिनसुकिया। कल भी इसी बस पे गया था, आज भी इसी बस में जाना है। तिनसुकिया। ओह शिट। जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका हमारे एक नेचर ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ हाफजान से। तो कल रात को मैं था इमरान भैया के घर पे, इमरान भैया तो अभी चला गया है नमसाई और मुझे जाना है फिलहाल अभी तिनसुकिया की तरफ, क्योंकि आज मैं लेने जा रहा हूँ परी और लाडो के अब्बा को लेने के लिए। तो आप लोगों को आज के वीडियो में उनको देखने को मिलेगा। फिलहाल जो ट्रेन का टाइमिंग था वो था 12:30 मतलब 40 मिनट के करीब में था, बट काफ़ी लेट चल रहा है, तो 4 बजे के करीब में दिखा रहा था कल तक। अभी मैंने चेक किया यहाँ निकलने के बाद तो देखा कि वो 5:30 बजे आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी निकल चुका। और जैसे जल्दी निकला उसके बाद एक फ़ोन आ गया कि रेलवे स्टेशन के पास में कुछ कुछ काम है, तो मेरे हिसाब से वो सही समय है। तो अभी ये टाइम को अपना मेकअप करने के लिए एंड यहाँ पर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। एक ऑटो मिला, एक बस मिला, दोनों के दोनों पूरा रश था, तो उसमें तो जगह नहीं मिला। अभी इवेट कर रहे, देखते हैं कब तक मिलेगा। अपने पास समय काफ़ी ज़्यादा है बट काम का लेकर थोड़ा सा टेंशन है कि भाई सही समय पहुँचे वो सबसे बड़ी बात है। अब देखते भाई कौन सा मिलेगा, सिर्फ ट्रक देखने को मिल रहा है, बाइक वगैरह देखने को मिल रहा है, बट कोई हेल्प करेंगे या ना करे पता नहीं। कभी आज तक लिफ्ट नहीं मांगा ना, तो इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ता है। चलो भाई आज ट्राई करते हैं लिफ्ट मांग के, मिलता है कि नहीं मिलता देखते हैं। भाई भाई थोड़ा सा चलेगा भाई, नो लिफ्ट। बस वगैरह कोई टैक्सी वगैरह भी मिल जाए ना तो चला जाओ, पर नहीं आ रहा तो क्या करूँ, लिफ्ट मांगना पड़ रहा है। इसमें भी सारे लोग फुल है। ओ भाई ये भी फुल, लगता है आज जा नहीं पाऊंगा 300 के। और एक उम्मीद आते हुए लाल मैजिक, ये भी 300 के मिल गया भाई। हाँ जगह हो जाएगा, चलिए भैया चलिए। बहुत देर इंतजार किया, 30 मिनट्स वेट किया, तब जाके मुझे ये एक मैजिक मिला। एक बस गया, एक ऑटो गया, छोटा छोटा आदमी मतलब कितने सारे गए, और फाइनली जाके मैं 300 के लिए जा रहा हूँ। फिर 300 से मुझे लेना पड़ेगा एक और ऑटो में बैठ के जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन। अभी सफर बहुत बाकी है। मैं पहुंच चुका हूँ तिनसुकिया में। सबसे पहले मैं विंगर के स्टेशन पर आया था यहाँ पर पता करने के लिए कि गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज संडे है तो संडे के दिन में मोस्टली गाड़ी वगैरह नहीं मिलते, तो भाई एक कंफर्म नहीं है 50-50 में कि मतलब 7:30 बजे करीब में विंगर मिल सकता है। कॉन्टैक्ट वगैरह सब लेके रखा हूँ, अगर नहीं मिला तो आज तिनसुकिया में रुकना पड़ेगा, और मिल गया तो फिर रात के शायद 9:30-9 बजे तक मैं घर पर जाऊँगा। तो बातचीत करके रखा हूँ, अभी वो बताएंगे कन्फर्म, पर एक बार बस वगैरह भी देख लेते हैं। और आज संडे है तो माहौल भी थोड़ा सा ठंडा है, तो एक बार बस का भी पता कर लेता हूँ। अगर बाई चांस कोई तेजू जाने वाला होगा तो अपना लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हमें तेजू वाला बस जाने से वो हमें रास्ते में छोड़ देगा तो पहुँच जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। अभी उसके बाद मुझे जाना है तिनसुकिया रेलवे स्टेशन, उससे पहले और एक जगह काम के लिए जाना है। बस तो मिलना बहुत ही मुश्किल है, एक भी बस नहीं है जो जाने वाला है। जितने भी अभी देख रहे हो, एक आया है रोइंग से, एक आया है तेजू से, सब अभी आया। और यहाँ पर वैसे देखा जाए ना बहुत भीड़ रहता है, गाड़ी का बस वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है, बट आज एक भी बस नहीं दिख रहा जो जाएगा तेजू आलूबारी नमसाई, कोई ऐसा बस नहीं है, तो बस का तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते। अब विंगर का ही लास्ट ऑप्शन है, अगर वो मिला तो सही है, जैसे कहीं आज स्टे करके फिर कल सुबह 7 बजे ऐसे बस मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्ट बहुत सारे बस मिल जाएंगे। अब क्या होगा अब कल पता चलेगा, नहीं थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जी मैं पहुंच चुका हूँ हिजोगोरी, जो रेलवे स्टेशन है 300 में, बट यहाँ पर मेरा एक काम है, वो भैया का काम है, वो सबसे पहले कर देता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ SBI बैंक के नीचे, और यहाँ से हार्डली आपका स्टेशन 300 मीटर समथिंग कुछ होगा। चलो भाई क्या काम है वो देखते हैं। वाइन शॉप में जाना है मुझे।
मेरा काम वगैरह कंप्लीट करके अभी मैं पहुंच चुका हूँ तिनसुकिया रेलवे स्टेशन, एंड कुछ ही समय में आने वाला है अवध असम एक्सप्रेस, और उसमें से नाम है लाडो और परिकब्बा। और शाम के समय आया हूँ इधर काफ़ी साल बाद। हाँ, शाम के समय तो ऐसे आना होता नहीं है, जैसे मोस्टली वही 1 बजे के करीब में होता है जब अवध असम ट्रेन आते थे ना, बट आज थोड़ा सा लेट है। चलो भाई चलते हैं अंदर। अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, मुझे यकीन है, क्योंकि अभी विंगर का भी कुछ भी आता पता नहीं है और ट्रेन भी अभी और लेट ही होते जा रहा है, और ऐसे रहा ना तो आज होटल पर रुकना पड़ेगा और कल सुबह ही जाना पड़ेगा। बट एक चीज़ देखो गाइस, कितना प्यारा सा यहाँ पर सनसेट हो रहा है, मस्त लग रहा है ना। अभी उधर से एक ट्रेन आ जाता ना तो भाई बहुत खूबसूरत सा दिखता। अरे भाई मैं उसको सोच रहा था सूरज है बट ना ट्रेन आ जाता ना तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेट्स सी क्या होता है, अभी आज घर जा पाएंगे कि नहीं जाएंगे कोई आइडिया नहीं है, बट कोशिश कर रहे हैं कि आज जैसे भी घर पहुंच जाए फ़ोन करना पड़ेगा विंगर का, एक चांस है, मतलब लास्ट चांस। लेट्स सी क्या हुई। करीब 1 बजे आने वाला ट्रेन अब आ रही है, एकदम 6 बज चुका है, और अभी मैंने बात किया विंगर को लेकर तो शायद मिल सकता है, श्योर नहीं है फिर भी, अभी 90% में, बट मिल जाता अच्छा है। अभी अनाउंसमेंट हो रहा है अपना ट्रेन का और आते हैं, उसके बाद चलते हैं हम लोग डायरेक्ट विंगर के लिए। पूरा बाजार लग गया ऐसा लग रहा है इधर। दिल्ली से आने वाला ट्रेन में कितने पैसेंजर को लेकर आया, देखो भाई पूरा बाजार लग गया इधर में। कुछ समय पहले पूरा खाली खाली था, अब मस्त वाला भीड़ भड़ाका। अभी हम लोग जा रहे हैं एक रूम बुक करने के लिए, हम लोगों का तो गाड़ी मिल चुका है यहाँ से चुखाम के लिए, बट हमारे साथ और एक भैया है जो कि रोइंग पर रहते हैं, बट वहाँ पर ना अभी रोइंग के लिए गाड़ी वगैरह नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ तेजू के लिए मिल रहा है, तो फिर तेजू में जाके रुकेंगे क्या, तो डायरेक्ट बोल रहे यहाँ से जाएंगे कल सुबह। फिर रूम मिलेगा, रूम एक सिंगल रूम कितने पड़ जाएगा? यो हम तो सुना था बहुत कम रेट का है आपके यहाँ पर फीडबैक लेके आया था आपका, ऐसे कम रेट का नहीं है ऐसे क्यों? ऑनलाइन में है ना? हाँ रिकॉर्ड है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं है, आप दबा करके आपका साथ बात कर रहे हो। हाँ तो कुछ नहीं है तो हम अपना दिमाग पे, आप बताइए कम वाला मिलेगा? कम वाला छोड़िए, चलिए इतना रूडली बात करता है आप लोग, क्या कैमरा में कुछ हो जाता है क्या भाई? ये है होटल प्रात, यहाँ पर रिसेप्शन से इतना अच्छा फीडबैक मिलता है ना, क्या बोले मजा आ गया। मतलब कैमरा में क्या रखा भाई, अपना सर्विस दो बात खत्म। तो ये एकदम कैमरा बंद करो, ये है होटल प्रात, प्रात समथिंग कुछ नाम है, एकदम बस स्टेशन का ऑपोजिट में, जीरो जीरो क्या बोलते हैं उसको, चुतियापा वाला है सर्विस है। अभी और एक होटल पे आया, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रूम देखेंगे, यहाँ का रेट थोड़ा सही मिला, क्यों भैया सही मिला कि नहीं रेट? ये देखो आपका रूम, सिंगल बेड विदाउट एसी अटैच बाथरूम 700 रुपीज़, और टीवी भी है, और क्या चाहिए। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपके एकदम बस स्टेशन के पास में है, तो उठो और बस में बैठो और चलो, क्या बोलते भैया डन? चलिए बुकिंग करवाते हैं अभी। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, करीब से करीब हमें लगा पूरा नहीं, सबसे पहले बताया था उन्होंने कि हाँ 7 बजे गाड़ी जाएगा, उसके बाद 7:30 से 8, फिर 8 से 8:20 में गाड़ी निकाला, और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कितने बज रहे हैं, 11 बजने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था, पूरा थक के हालत ख़राब हो गया, और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर पड़ी और लड्डू का अब्बा जी, कैमरामैन फोकस करें। हाँ सब कोई पूछ रहा था कौन है उसके बाप, कई बार तो हम मेरा ही नाम लगा दिया था आज भी लोग अभी बहुत जैसे भूख भी लगा हुआ है, खा रहा है कुछ नहीं हो, तो अभी जल्दी से खाना खाते हो और चलते हैं बिस्तर पे। गोर हाथ धो लिया दोस्तों, अब बारी है खाने के लिए, और आज का स्पेशल डिनर है चिकन, और उसके बाद अपना हैंडसम फेवरेट रोटी, थोड़ा सा राइस, उसके बाद यहाँ पर फिश भी आ गया, कहाँ से ला सकते फिश, पकड़ के लेके आए, तब तुम समझ गए बहुत स्पेशल वाला है, मेहनत किया है सकीना
तो चलो भाई, भूख भी बहुत जोर से लगा हुआ है क्योंकि दोपहर में कुछ खाया नहीं था, मॉर्निंग में खाया था और हल्का हल्का शाम को भूख लगा था, बट फास्ट फूड खा के उसके बाद अभी यहाँ तक पहुँच गया। आप जल्दी से करते हैं चिकनवा को फिनेश, टेस्टी वाला। थोड़ा सा नीचे, हाँ एकदम मस्त परफेक्ट, काला नहीं दिख रहा ना, पूछ रहा हम नहीं दोनों एक ही जैसा लग रहे हैं। बस ऐसे खाते खाते मैं गिर गया। मगर बना दे, हम करिया ना लगते हैं। इतना फीचर्स नहीं है मोबाइल में। हल। एक बार ऐसे सब कुछ देखो मस्त है, ठीक ना? अरे खोले जाएगा दोबारा। हो जाए, थैंक यू।